सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार से सवाल किया था कि कितनी ट्रांसफर की गई है और खासकर सुजानपुर से कितनी ट्रांसफर हुई है, जिस पर सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। राजेंद्र राणा ने सरकार इसका जवाब देगी कहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार इस बात का जवाब देगी भी या नहीं, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। जवाब देखिए, मैंने प्रश्न लगाया था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में कितने स्थानांतर जो है वो सरकार ने किए, और उसमें साथ में मैंने एडिशन किया था कि सुजानपुर का भी विशेष तौर पर बताया जाए। तो सरकार की तरफ से जवाब आया है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से फिर से सप्लीमेंट्री पूछा कि ये सूचना कब तक एकत्रित की जाएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता, मैं बहुत सारे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कितने तबादले किए। मैंने इसलिए भी प्रश्न किया था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में महिलाओं के तबादले जो हैं 300 से 400 किलोमीटर किए जा रहे हैं, महिलाएं जो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न था, पर सरकार जो है इसमें टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है, और मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इसको जल्दी से जल्दी जो प्रश्न का जवाब दिया जाए। और मैंने पूछा कब तक ये जवाब आने की संभावना है, सरकार इसको इसका जवाब देने की मंशा रख भी रही है या नहीं रख रही है, या सरकार की मंशा ही कुछ और है। तो अभी सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।